अभी आज न्यायालय ने उनको 21 मार्च तक जेल कस्टडी दिया है। अभी उसके बाद में हमारे पार्टी के नेता और परिवार के लोग वकील के साथ में विचार विमर्श करके आगे क्या करने का उसके ऊपर सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे। अभी बोलना जल्दबाजी होगी, जब तक जैसा जैसा मार्गदर्शन हमको हमारे नेताओं का और वकील का मिलेगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ईडी ने जब किसी के दबाव में आके नवाब मलिक को फंसाया है सर, वो जग जाहिर है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब नवाब मलिक आपके बीच आएंगे तो वो खुलासा खुद करेंगे। नवाब मलिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले 4 महीने से अपनी बात रखने का काम किया था और 23 तारीख को ईडी ने उनको विदाउट नोटिस जिस तरीके से उठाया, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष नहीं, सारी दुनिया जानती है। जब नवाब मलिक साहब आपके बीच में होंगे बाकी का खुलासा वो खुद करेंगे। बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे आप? अभी हमारे वकील और हम परिवार का मेरा एक सदस्य वो भी वकील है, अभी अंदर है, कोर्ट रूम में है, वो आने के बाद में वो लोग खुद डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है।